कल डिलिमिटेशन की फाइनल रिपोर्ट आ गई और उसे गवर्नमेंट गजट में नोटिफाई कर दिया गया। कुछ रिकमेंडेशंस भी थी जो जब डिलिमिटेशन कमीशन की प्रेस रिलीज आई तो उसमें बताया गया कि कश्मीरी माइग्रेंट्स को लेकर और पीओजे के रेफ्यूजीज को लेकर केंद्र सरकार को कुछ रिकमेंडेशंस भी डिलिमिटेशन कमीशन ने की है। लेकिन इस डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को अलग अलग कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से देख रही हैं उसका एक एनालिसिस करेंगे, आपको बताएं कि अलग अलग पार्टीज ने किस तरीके से रिएक्ट किया। सबसे पहले बात की जाए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की, तो उन्होंने ये कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन की इस रिपोर्ट को हम लॉक स्टॉक एंड बैरल रिजेक्ट करते हैं। साथ ही में उन्होंने ये कहा कि जो पैनल है उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि वो भारतीय जनता पार्टी की एक एक्सटेंशन बन चुकी है। अनंतनाग में एक फंक्शन था जिस फंक्शन को उन्होंने अटेंड किया और वहां पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप ये किस डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहे हैं, ये डिलिमिटेशन कमीशन तो बीजेपी की एक एक्सटेंशन बन चुका है। इसने पॉपुलेशन का जो बेसिक पैरामीटर है यानी कि जो आबादी है उसे इग्नोर किया है और अपनी मर्जी से एरियाज को तोड़ा मरोड़ा है। हम इस पूरी रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं और हमें डिलिमिटेशन कमीशन में कोई फेथ नहीं है। इसके साथ साथ में पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस कमीशन को सेटअप किया गया है जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करने के लिए। उन्होंने कहा कि ये एक डिजाइन है जिस डिजाइन के जरिए डिलिमिटेशन कमीशन भी एक डिजाइन है जिस डिजाइन के जरिए आर्टिकल 370 को एब्रोकेट किया गया। कोशिश ये है कि लोगों के पास जो ताकतें हैं उसे छीन लिया जाए और लोगों को कमजोर कर दिया जाए, तो लोगों को डिसएम्पावर करने की ये एक तरीका है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। उसके अलावा अगर बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर केवल ये कहा गया कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट हमने देखी है, हम इंडिविजुअल असेंबली सेगमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं कि उन पर क्या इंपैक्ट होगा। लेकिन उसके साथ साथ में पार्टी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो प्रॉक्सीज हैं निशाना साध रहे थे वो शायद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर और अपनी पार्टी के ऊपर, जिनको लेकर बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग अलग नेता ये कहते रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। तो उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो प्रॉक्सीज हैं उन्हें वोटर इलेक्शन के दौरान पनिश जरूर करेंगे, उन्हें सजा देंगे। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि नो अमाउंट ऑफ गेरीमैंडरिंग विल चेंज द ग्राउंड रियलिटी विच इज दैट व्हेनेवर इलेक्शंस आर हेल्ड द वोटर विल पनिश द बीजेपी एंड इट्स प्रॉक्सीज फॉर व्हाट दे हैव डन टू जेएंडके ओवर द लास्ट 4 इयर्स। तो उन्होंने पूरे 4 सालों की बात की, केवल डिलिमिटेशन की बात नहीं की, डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को लेकर चुप्पी साधी रही नेशनल कॉन्फ्रेंस और केवल इतना कहा कि इंडिविजुअल जो सेगमेंट्स हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इस डिलिमिटेशन का, हम फिलहाल इसे स्टडी कर रहे हैं। आउटराइटली रिजेक्ट करने की बात हो तो वो भी नहीं किया गया और उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने कोई बयान दिया हो वो भी सामने अभी तक नहीं आया है। उसके अलावा लेकिन बात की जाए पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिसके ऊपर इल्जाम अक्सर ये लगते रहे कि ये भी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की प्रॉक्सी है, उन्होंने एक स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट जो है वो जारी किया। जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद लोन ने कहा कि डिलिमिटेशन की जो फाइनल रिपोर्ट है ऐसा लगता है हिंदुत्व ब्रिगेड से कॉपी पेस्ट की गई है। उन्होंने ये कहा कि जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट है ये पहले जो इतिहास में हो चुका है उसी को रिपीट किया जा रहा है, उसी तरीके की जो ट्रेडिशनल एंटिटीज हैं वही जो है वो बता रही है कि क्या होगा कश्मीर में क्या नहीं। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि कश्मीर घाटी के साथ पहले भी डिस्क्रिमिनेशन होती रही है और अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, फर्क सिर्फ इतना है कि अब जो डिसएम्पावरमेंट हो रही है वो उसका तनासुब ज्यादा है, वो ज्यादा डिसएम्पावरमेंट हो रही है। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि पिछले 6 दशकों में कश्मीर का जो असेंबली सीट्स का शेयर है वो डिक्रीज हुआ है और जेएनके में जो 43 से 47 जम्मू का शेयर है वो 43 से 47 इंक्रीज किया गया है कश्मीर का शेयर, लेकिन जम्मू का शेयर जो है वो 30 से 43 पर जंप किया है। इसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस सिस्टमिक डिसएम्पावरमेंट के लिए कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है, 1947 से कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो स्टेटमेंट थी उसमें ये भी कहा कि वही लोग जिन्होंने जम्मू की 30 सीट से इंक्रीज होकर 37 सीट जब हुई थी उसमें मददगार जो साबित हुए थे वही लोग हैं जो आज भी मदद कर रहे हैं जम्मू की सीट को 37 से 43 पर पहुंचाने के लिए। उन्होंने कहा कि हम ये उम्मीद करते थे कि जो कश्मीरी पार्टीज हैं वो दूर रहती और इस पीपल लेस प्रोसेस से का जो स्टिग्मा है उनके साथ एसोसिएट नहीं होता, उसे डाइल्यूट नहीं करती, लेकिन
उन्होंने ये कहा कि कश्मीरी जो हैं वो याद रखेंगे कि कौन वो पार्टी थी जिन्होंने खुद को डिलिमिटेशन के प्रोसेस के लिए के साथ जोड़ा और जिन्होंने डिसएम्पावरमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। साथ ही में इस स्टेटमेंट में डिटेल्ड स्टेटमेंट है जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने ये भी कहा कि हम हमेशा इस बारे में सोचते रहेंगे कि एक पार्टी इस तरीके के डिलिमिटेशन प्रोसेस के साथ खुद को कैसे जोड़ सकती है। उनमें इस उन्होंने कहा कि they actually had the nerve of submitting one memorandum in Kashmir and a separate memorandum in Jammu. Ironically, the memorandums were contradictory. तो साफ तौर पर निशाना साधा जा रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, जिनको लेकर ये कहा कि एक पार्टी एक मेमोरेंडम कश्मीर में देती है और उनमें इतना दम है कि वो दूसरा मेमोरेंडम जाकर जम्मू में देती है और दोनों मेमोरेंडम में जो कंटेंट है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाता। जो जम्मू का उनका मेमोरेंडम है उसको लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है उसे कॉपी पेस्ट किया गया था हिंदुत्व ब्रिगेड से। इसके साथ साथ में पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने यह भी कहा कि हम आरटीआई की तरफ जाएंगे और जो मीटिंग्स हुई इस डिलिमिटेशन कमीशन की उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मांगेंगे ताकि वो लोग जो मीटिंग हॉल के बाहर आकर अपनी छाती पीट रहे हैं और लोगों को प्लीज करने के लिए कह रहे हैं कि लोगों को प्लीज करने के लिए अपनी छाती पीट रहे हैं, वो किस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन को के मेंबर्स को प्लीज कर रहे थे बिहाइंड क्लोज डोर्स, वो हमें देखने को मिलेगा जब हम इस तरीके की रिकॉर्डिंग्स मंगवाएंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम कितने बेवकूफ थे, हमें इनका गेम प्लान समझ में नहीं आया कि जो रेड्स हो रही हैं, जो ईडी के छापे मारे जा रहे हैं, ये सारा एक खेल था, एक ट्रेड ऑफ था जिससे जो लोगों का नजर है वो इस बात पे नहीं जाएगी कि क्या कुछ हो रहा था। इसके साथ साथ में ये भी कहा, हम ये नहीं कह रहे कि अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करते तो डिलिमिटेशन होता नहीं या फिर प्रोसेस जो है वो रुक जाता, लेकिन जो प्रोसेस की सैंक्टिटी अभी है वो सैंक्टिटी नहीं होती अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो डिलिमिटेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो ये एक डिटेल्ड स्टेटमेंट पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जारी किया, लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि निशाना डिलिमिटेशन के ऊपर डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर साधने की जगह निशाना सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर साधा गया है और ये कहा गया है कि इन्होंने डिलिमिटेशन के प्रोसेस में आखिर पार्टिसिपेट ही क्यों किया, पार्टिसिपेट करके इन्होंने लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर दी इस पूरे डिलिमिटेशन के प्रोसेस को। एक दबे लफ्जों में यही कहने की कोशिश की गई कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते तो कम से कम लोगों के बीच में आप ये जाकर कह सकते कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने जिस प्रोसेस में कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर किया जा रहा है, ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कहना है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अपनी पार्टी को लेकर भी अक्सर यही कहा जाता है, इल्ज़ाम यही लगता है कि बीजेपी की बी टीम है। तो अपनी पार्टी के जो फाउंडर हैं सैयद अल्ताफ बुखारी, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया, बस उस इंटरव्यू में उन्होंने बात करते हुए डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर ये कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो डिसएम्पावरिंग है, अनफेयर है और एक या दो पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा पहुंचाने के लिए डिलिमिटेशन की गई है। इन्होंने कहा कि एक और कड़ी है कि किस तरीके से लोगों को डिसएम्पावर किया जाए, हमने जो रिप्रेजेंटेशंस दी थी उन रिप्रेजेंटेशंस को सुना नहीं गया, केवल टच एंड गो की पॉलिसी जो है वो अपनाई गई, डिलिमिटेशन फेयर नहीं हुई है। साथ में उन्होंने कहा कि केवल 2 घंटे दिए गए कश्मीर को तो ज्यादा उसमें कितना ही कुछ बताया जा सकता था डिलिमिटेशन कमीशन को, एट द एंड उन्होंने वही किया जो वो करना चाहते थे और हम में से किसी की बात नहीं सुनी। तो जाहिर सी बात है कि अपनी पार्टी के फाउंडर ने भी ये कहा कि वो भी इस डिलिमिटेशन से नाखुश हैं, लेकिन साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि हम क्योंकि सच की सियासत करते हैं तो हम लोगों को ये नहीं कहेंगे कि अब इस डिलिमिटेशन में कोई बड़ा बदलाव आएगा क्योंकि कोर्ट में इसे चैलेंज किया नहीं जा सकता, तो अब जो डिलिमिटेशन हो चुकी है उसी के साथ आगे बढ़ना होगा। साथ ही में अगर बात करें तो पीएजीडी की एक और इम्पोर्टेंट कड़ी जो है वो सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी है। तो मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने भी अपना बयान जो है इसको लेकर दिया है। उन्होंने कहा कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसने जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया और डिलिमिटेशन जो है वो होकर ही रहनी थी, हमने जो है वो ओरिजिनल जो जेएनके का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसी को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है तो हम इस इंतजार में हैं कि कम से कम उसकी पहले सुनवाई हो जाए। और इस एक्सरसाइज को लेकर यही कहा गया कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ही जो आया था वही एक कोशिश थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर किया जाए इन द लॉन्ग रन।
तो ये हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से अलग अलग कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, या फिर जो अपनी पार्टी है, वो किस तरीके से इस पूरे डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को देख रहे हैं। कुछ पार्टीज ने तो आउटराइटली इस डिलिमिटेशन को रिजेक्ट किया है और कुछ पार्टीज अभी भी सोच में है कि हम इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर बोले तो क्या बोले। और वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने एक डिटेल स्टेटमेंट तो जरूर दिया है, लेकिन उस डिटेल स्टेटमेंट में सीधा सीधा वार किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर और ये कहा कि इतिहास में भी जिस तरीके से कश्मीर को डिसएम्पावर करने की कोशिश होती रही है, वही कोशिश आज भी हो रही है और वही लोग जो उस समय जिम्मेदार थे वही लोग आज भी जिम्मेदार हैं।